नमस्कार दृष्टि आई एस के टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं पहला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक पहल है दो भाषा संगम का उद्देश्य भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी बाईस भाषाओं से प्रत्येक बच्चे को परिचित कराना है उपरुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था गंगा उत्सव 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित एक वार्षिक समारोह है दो मिनी गंगा क्वेस्ट प्रोग्राम युवाओं और छात्रों को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए डिजाइन किया गया है तीन गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक दो और तीन अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद तेईस मानव तस्करी और बेगार को प्रतिबंधित करता है दो भारत ने पार राष्ट्रीय यानी ट्रांसनेशनल संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है दो इसे भारत के सभी निवासियों को एक सोलह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार प्रदान करना अनिवार्य है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है सही जवाब था केवल एक अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक गंगा नदी डॉल्फिन केवल भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में ही रहती है दो गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और अनिवार्य रूप से अंधी होती है तीन इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो और तीन अगला प्रश्न था कॉप ट्वेंटी सिक्स के संदर्भ में भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत से अधिक की कमी करेगा दो वर्ष 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लाएगा तीन भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक दो और तीन अगला प्रश्न था किस देश ने हाल ही में भारत की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को, वैक्सीन को मान्यता देते हुए उन लोगों को यात्रा की अनुमति दी है जिन्हें कोवैक्सीन टीका लगाया गया है इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक जल और जलवायु कार्रवाई के समन्वय के लिए यू जल और जलवायु गठबंधन यानी वाटर एंड क्लाइमेट कोल्यूशन की शुरुआत करेगा दो विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मीटियोरोजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू द्वारा जिनेवा में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट जारी की गई थी उपरुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक अगला प्रश्न था हर घर दस्तक हाल ही में खबरों में रहा एक अभियान है जो संबंधित है इसका सही जवाब था कोविड नाइन्टीन टीकाकरण से अंतिम प्रश्न था जीएसटी राजस्व संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक जीएसटी लागू होने के बाद से अक्टूबर हेतु जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है दो जीएसटी राजस्व संग्रह मार्च 2021 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा उपरुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक डेंगू एक मच्छर जनित उधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है दो वोल्बाचिया बैक्टीरिया का उपयोग डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों दो डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस यानी जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है अतः कथन एक सही है यह एडीज जीनस के मच्छरों की कई प्रजातियों मुख्यतः एडीज इजिप्टी द्वारा ट्रांसमिट होती है फ्लेवी वायरस फैमिली फ्लेवी विरिडे में पॉजिटिव स्ट्रैंड आर वायरस का एक जीनस है यह है मच्छर चिकनगुनिया येलो बुखार और जी का संक्रमण भी फैलाता है हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया है अतः कथन दो भी सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसके कारण केवल पुरुषों में जननांग संबंधी कैंसर होता है दो यह इंटीमेट कॉन्टैक्ट मसलन यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है तीन इस वायरस के लिए वर्तमान में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दो केवल एक और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो हाल ही में एक शोध में पता चला है कि एच वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के मामलों में लगभग 90 प्रतिशत तक कमी ला रहा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस महिला एवं पुरुष दोनों में जननांग संबंधी कैंसर का कारण बनता है इसलिए कथन एक गलत है इसके अलावा यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में थ्रोट एवं रेक्टम कैंसर का भी कारण बन सकता है यह इंटीमेट कॉन्टैक्ट मसलन यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है इसलिए कथन दो सही है इस वायरस के लिए वर्तमान में वैक्सीन उपलब्ध है इसलिए कथन तीन गलत है क्वार्री वैक्सीन गार्डासिल सहित विभिन्न प्रकार के एच टीके हैं जो चार प्रकार के एच यानी एच पी वी सोलह अठारह छः और ग्यारह से रक्षा करता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है मोलनोपिरावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक मोलनोपिरावीर मूल रूप से इंफ्लुएंजा के इलाज के लिए विकसित किया गया था दो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए मोलनो के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों दो दो, यानी दोनों कथन सही हैं हाल ही में यूके के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी एम ने कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए एंटीवायरल दवा मोलनोपिरावीर यानी लेगव के उपयोग को मंजूरी दी है इस मंजूरी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम कोविड 19 के इलाज के लिए मोलनुपिरा के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है इसलिए कथन दो सही है इसे रिच बैक बायोथेराप्यूटिक्स तथा मर्क शार्प एंड डोम यानी एम द्वारा विकसित किया गया है यह मूल रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए विकसित किया गया था इसलिए कथन एक सही है यह दवा रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोकने में तथा शरीर में वायरस के स्तर को कम रखने में प्रभावी पाई गई है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक कर्नाटक में सबसे अधिक तेंदुए हैं। दो क्षेत्रवार पश्चिमी घाट में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है तीन तेंदुए का आयु स्टेटस वल्नरेबल है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल तीन एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं के कारण उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा तेरासी फीसदी बढ़ गया है यह अध्ययन ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोग्राफी जर्नल में प्रकाशित हुआ है सबसे ज्यादा तेंदुए तीन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं इसके बाद एक कर्नाटक में और एक महाराष्ट्र का स्थान है इसलिए कथन एक गलत है क्षेत्रवार मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक यानी आठ है इसलिए कथन दो गलत है पश्चिमी घाट में तीन तेंदुए हैं, तेंदुए का आयु स्टेटस वल्नरेबल है इसलिए कथन तीन सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी केवल तीन अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित एक निकाय है दो संविधान की छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं। मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित एक निकाय है इसलिए कथन एक सही है संविधान की छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है इसलिए कथन दो सही है यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद दो सौ और अनुच्छेद दो सौ के तहत प्रदान किया गया है यह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता है जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक विसल ब्लोअर एक व्यक्ति होता है जो गलत गैर कानूनी अवैध आदि गतिविधियों को उजागर करता है दो भारत में विसल ब्लोअर के संरक्षण से संबंधित कोई विशेष अधिनियम नहीं है तीन विधि और न्याय मंत्रालय ने विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो और तीन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विसल ब्लोइंग एक ऐसी कार्रवाई है जिसका मकसद किसी संगठन में अनैतिक प्रथाओं की ओर हितधारकों का ध्यान आकर्षित करना है विसल ब्लोअर एक व्यक्ति होता है जो गलत गैर कानूनी अवैध आदि गतिविधियों को उजागर करता है इसलिए कथन एक सही है भारत में विसल ब्लोअर्स को विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है इसलिए कथन दो गलत है हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक हिस्से के रूप में एक विशल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है इसलिए कथन तीन गलत है इस पोर्टल के माध्यम से इरेडा के कर्मचारी धोखाधड़ी भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग आदि से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो और तीन अगला प्रश्न है सोलर पावर कैलकुलेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से प्राप्त डेटा का उपयोग करता है जो पोलर ऑर्बिट से पृथ्वी की निगरानी कर रहे हैं यह ऐप है सोलर प्रोजेक्ट्स के लोकेशन को निर्धारित करने में सहायक होगी ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो इसरो दुनिया के लिए सोलर कैलकुलेटर ऐप बनाएगा इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएफ के कॉप ट्वेंटी में की यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से प्राप्त डेटा का उपयोग करता है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से पृथ्वी की निगरानी कर रहे हैं इसलिए कथन एक गलत है सोलर पावर कैलकुलेटर ऐप सोलर प्रोजेक्ट्स के लोकेशन को निर्धारित करने में सहायक होगी इसलिए कथन दो सही है यह ऐप सोलर प्रोजेक्ट्स के लोकेशन को निर्धारित करने में सहायता करेगा इस कैलकुलेटर से यह पता चल जाएगा कि दुनिया में ज्यादा सोलर एनर्जी वाला क्षेत्र कौन है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसमें पच्चीस लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है दो खेल रत्न पुरस्कार उन्नीस इक्यानवे से 1992 में स्थापित किया गया था तीन पहला खेल रत्न पुरस्कार धनराज पिल्ले को दिया गया था उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक और तीन केवल दो और तीन केवल एक या फिर केवल तीन इसका सही जवाब ऑप्शन डी केवल तीन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है इसलिए कथन एक सही है खेल रत्न पुरस्कार उन्नीस से 1992 उन्नीस में स्थापित किया गया था इसलिए कथन दो सही है पहला खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को दिया गया था इसलिए कथन तीन गलत है लियांडर पेस सचिन तेंदुलकर धनराज पिल्ले पुलेला गोपीचंद अभिनव बिंद्रा अंजू बॉबी जॉर्ज मैरी कॉम और रानी रामपाल को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल तीन अगला प्रश्न है आयुष्मान सी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसे 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था दो यह रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो यानी दोनों कथन गलत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि चरणबद्ध तरीके अब पूरे देश में सभी सी कर्मियों को आयुष्मान सी स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाएगा यह गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है इसलिए कथन दो सही नहीं है इसके तहत सी के सभी सात बलों में कार्यरत कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी असम में 23 जनवरी 2021 को आयुष्मान सी योजना शुरू की गई थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आइलैंड स्टेट्स यानी आई, आई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह कोअलूशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सी का हिस्सा है दो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील छोटे द्वीपीय देशों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स यानी आईआरआईएस के लिए बुनियादी ढांचे का शुभारंभ किया जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील छोटे द्वीपीय देशों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है इसलिए कथन दो सही है यह नई पहल भारत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का परिणाम है इसमें फिजी जमैका और मॉरिशस जैसे छोटे द्वीपीय देशों के नेताओं की भी अहम भूमिका रही सी का ही एक भाग है आईआरआईएस आर का मकसद आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं अंतिम प्रश्न है जीरो वायरस पॉलिसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है इंडोनेशिया चीन वेनेजुएला या फिर न्यूजीलैंड इसका सही जवाब ऑप्शन बी चीन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जीरो वायरस पॉलिसी को जल्दी नहीं छोड़ेगा क्योंकि इस नीति की वजह से स्थानीय प्रकोपों को जल्दी से खत्म किया जा सका जबकि वायरस दूसरे देशों में फैलता रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी चीन अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह एक परिणाम आधारित स्कीम है दो यह योजना केवल सनराइज सेक्टर को इंसेंटिवाइज करती है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद